Hello, my dear students. We are going to continue the practice set 4.1. The last sum of this practice set. Triangle AMT is similar to triangle AHE. दो ट्रायंगल दिया है, दोनों सिमिलर है. स्पेशलिटी ये है, दोनों का एक वर्टेक्स कॉमन है. वर्टेक्स ए इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स. तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सेपरेटली नहीं बनेंगे, क्योंकि उनका एक वर्टेक्स कॉमन है. तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से टच रहेगा. और आगे क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए एम टी ट्रायंगल में ए एम का लेंथ है 6.3 सेंटीमीटर. एंगल टी ए एम, दैट मीन्स एंगल ए 50 डिग्री. ए टी 5.6 सेंटीमीटर. ए एम अपॉन ए एच इज इक्वल टू 7/5. तो आपको ट्रायंगल ए एम टी का सभी इंफॉर्मेशन दिया है, ताकि ट्रायंगल ए एम टी यू कैन मेक डायरेक्टली, आप डायरेक्ट इसे बना सकें. तो ए एम टी का एक साइड ए एम, उसका लेंथ दिया है 6.3 सेंटीमीटर, और एक एंगल दिया है एंगल टी ए एम. सेंटर में लेटर ए है, इसका मतलब एंगल ए है. वो टी ए एम, वो एंगल का नाम तीन लेटर में पढ़ोगे तो टी ए एम, सिंगल लेटर में पढ़ोगे तो एंगल ए. कितना है, 50 डिग्री. सो इट इज़ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. और उसके बाद ए टी कन्फर्म नहीं है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि बाकी अगर कोई एक एंगल 90 से ज़्यादा हुआ तो ऑब्ट्यूस भी हो सकता है. ओके, ए टी साइड ए टी का लेंथ है 5.6 सेंटीमीटर, और एक रेशियो दिया ए एम अपॉन ए एच 7/5. ये रेशियो में हमारा दूसरा ट्रायंगल का एक साइड आया हुआ है ए एच. ओके, अब ये रेशियो को हम देखोगे तो रेशियो में जो बड़ा साइड दिखता है, जो बड़ा नंबर है, वो नंबर जिसका वे मतलब जो ट्रायंगल का है वो ट्रायंगल बड़ा रहेगा. देखो ए एम का लेवल में जो रेशियो का नंबर है 7, इसका मतलब ए एम टी ट्रायंगल बड़ा है, क्योंकि 7 वैल्यू बड़ा और 5 छोटा. 5 जो नंबर किसके किसके रेशियो में है, ए एच. तो ए एच ई का नंबर छोटा, ए एम टी का इधर रेशियो में बड़ा. इसका मतलब ए एम बी ट्रायंगल बड़ा है और ए एच ई ट्रायंगल छोटा है, और दोनों एक दूसरे से टच है. और एंगल जो दिया हुआ ए, दैट विल बी दैट लेटर विल बी कॉमन. देखो इधर रेशियो में जो सेम नंबर दिया है, दैट इज़ अ कॉमन वर्टेक्स. ए कॉमन है, तो हम नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, जो कॉमन वर्टेक्स है उसको हम लेफ्ट साइड में करेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है. चलो लेट अस ड्रॉ द फिगर फर्स्ट, रफ फिगर. सबसे पहले हम रफ फिगर बनाएंगे, और ये जो इस तरह ट्रायंगल होता है, यानी जहाँ पर एक एक वर्टेक्स कॉमन होता है, यानी एक दूसरे से अटैच होते हैं, उसका डायग्राम किस तरह हम बनाते हैं. यहाँ पर ट्रायंगल ए एम टी बड़ा, तो बड़ा ट्रायंगल को पहले बना लेते हैं. ट्रायंगल ए एम टी, तो उसमें से ए एम को मैंने नीचे लिया, क्योंकि ए जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, ए कॉमन है, तो ए को लेफ्ट साइड में ले लिया मैंने. ओके, ये एक साइड बन गया, ये बाय मिस्टेकली नीचे टच हो गया, इसके लिए डैश आ गया. ओके, यहाँ पर ए इधर डाला. बाकी लेटर को डालने से पहले मुझे ये देखना होगा कि एंगल ए कितना है. एंगल ए 50 है, तो यहाँ से इस तरह थोड़ा कम डिस्टेंस में जाएगा, तो मैंने वो भी मतलब लगना चाहिए, हम यहाँ से बनाएंगे तो ये 50 डिग्री है, तो इस तरह 50 डिग्री का आगे जाएंगे. अभी हमें यहाँ पर टी लिखना है या यहाँ पर टी लिखना है वो डिसाइड करना है. इसका मतलब ए एम टी ऐसा लिखना है या ए टी एम इस तरह लिखना है. तो इसमें आप देखिए ए एम कितना है, 7 है, तो ये लाइन को बड़ा बना लेंगे. सॉरी, ए एम 7 नहीं है, ए एम 6.3 है, तो ए एम बड़ा है और ए टी छोटा है, तो ऐसे कर देते हो ना. ए एम यहाँ पर डाला और ए टी यहाँ पे, और इसे जोड़ दिया, ये हमारा रफ फिगर बन गया. ओके, तो इस तरह हमारा पहला ट्रायंगल बना ए एम टी, और यहाँ पर इसका 50 डिग्री है, और ये ए टी जो है 5.6 है, और ये ए एम हमारा 6.3 है, 5.6 सेंटीमीटर और 6.3 सेंटीमीटर. अभी जो दूसरा ट्रायंगल है ए एच ई, वो छोटा बनेगा इससे, क्योंकि ए एम का इधर रेशियो बड़ा है. बराबर, ए एम टी ट्रायंगल बड़ा, ए एच ई ट्रायंगल छोटा, तो छोटा है तो इसी के अंदर ही होगा. तो हमने क्या किया, इसके अंदर से ये लाइन को एक पैरेलल लाइन इधर बनाया, ये हमारा ए एच ई है. ए एम टी और ए एच
ई इधर जगह नहीं है, मैं इधर ही लिख रही हूँ। ओके ए एच ई, इस तरह हमारा रफ फिगर बनेगा। पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से एक एक्यूट एंगल बनाना पड़ता है। एक्यूट एंगल बनाया, ओके इसको लॉन्ग बना दो। बनाने के बाद टोटल इधर कितने नंबर है, सेवन है। रेशो में देखो सेवन और फाइव, बड़ा कौन सा है, सेवन। तो सेवन छोटे छोटे पीसेस आपको इधर करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन बनाएं। और सेवन मतलब ए एम का है, तो ए एम के साथ सेवन्थ वाला जोड़ना है आपको, ए एम के साथ सेवन्थ वाला जोड़ा। और कितना, फाइव, फाइव किसके साथ आएगा, एच के साथ, ए एच है ना, ए एच फाइव, तो एच के साथ फाइव, वन टू थ्री फोर, फिफ्थ वाला एच के साथ जोड़ देंगे। ये हमारा रफ फिगर हुआ। एक्चुअली हम पहले नाम नहीं लिखे, पहले मेशर नहीं लिखे होते तो हमारा इधर कटिंग नहीं होता, ठीक है। तो जब रफ फिगर बनाएंगे तो भी आप पहले पूरे डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद नाम लिखो, तो ऐसा क्या बोलते हैं, मेसअप नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ए एम बनाना है जिसका लेंथ 6.3 है। तो स्केल रखें, स्केल रखकर ए एम 6.3, तो यहाँ से 6.3 है, 6.3 यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक, तो उसे जोड़ देती हूँ। ये 6.3 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट बनाया जिसका नाम है ए एम, बाद में नाम डालेंगे। और उसके बाद हमें ये जो एंगल है 50, वो एंगल 50 इस साइड में लगाया सेगमेंट के लेफ्ट साइड में, तो सेगमेंट के राइट साइड से काउंट करना है। तो यहाँ पर रखें, और उसके बाद इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिख सके। और ये देखो इस तरह, और यहाँ से आपको कितना डिग्री लेनी है, 50 डिग्री, 0, 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री, 50 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। तो ध्यान देना, दूसरे ऑपोजिट साइड में भी 50 आता है, लेकिन वो बनाएंगे तो रियल में 50 नहीं है, वो रियल में 130 हो जाएगा और आपका ऑप्टिक्स एंगल बन जाएगा। तो इसको हटाया, हटाने के बाद अभी आपको ये दोनों लाइन को जोड़ देना है। इसे जोड़ दिए और यहाँ पर एक एरो मार्क दे दीजिएगा। तो ये 50 डिग्री हमने यहाँ से बनाए, अभी क्या करना है, ये 50 डिग्री जहाँ से जो जा रहा है वो साइड उधर 80 आने वाला है, लेकिन 80 का लेंथ कितना है, 5.6, तो हमें यहाँ से 5.6 राउंडर में लेना है। ये देखिए 5.6 राउंडर में मैंने ले लिए हैं। अभी 5.6 राउंडर में ले करके हमें ये साइड से यहाँ पर से इधर आर्क बनाना है। ये देखो ये साइड में रखे और 5.6 को इस तरह आर्क बनाया। अब क्या करना होगा नेक्स्ट, ये जो पॉइंट है ये टी है, वो टी से हमें इस एम को जोड़ देना है। यहाँ टी से एम को जोड़ दिए, ओके। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया ए एम टी। तो बाद में नाम दे देते हैं, फिर भी याद रखना है, बार बार इसके साथ कंपेयर करना है ए एम और ए टी। अभी यहाँ से नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक एक्यूट एंगल बना लो नीचे की तरफ, मेशर लेने लेकर बनाना है बेटर होगा, ठीक है। तो एक मेशर लेकर एंगल बना लेते हैं हम। इसके लिए प्रोट्रैक्टर को देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में रखी, ये पॉइंट में रखे हुए, लाइन इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ का जीरो से काउंट करना है। तो चलो मैं एक 50 डिग्री ले रही थी, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 50 था इसके अंदर, इसके लिए मैं 50 ले रही हूँ। 50 डिग्री या 60 डिग्री कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है, लेट इट बी 60 डिग्री। तो मैंने एक 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाने के लिए मेशर लिया, और उसके बाद मुझे ये एंगल को इस तरह आगे बढ़ाना है। तो मुझे 7 पीसेस इसका बनाने का है, तो मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया ताकि 7 पीसेस इसमें मिले। अभी इसमें 7 पीसेस लेना है। 7 पीसेस क्यों लेना है, क्योंकि हमें मिला हुआ जो रेशियो है ए एम अपॉन ए एच वो 7:5 है, और उसमें से बड़ा जो नंबर है वो 7 है, तो हमें पूरे 7 पीसेस लेनी है। तो राउंडर को इस तरह डिस्टेंस में लगा कर मैंने 7 पीसेस यहाँ पर लिए हैं। राउंडर रखें, इक्वल डिस्टेंस के 7 पीसेस बनाया है, ओके। देखिए यहाँ पर आपको वो 7 पीसेस दिखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और उसके बाद ये 7th पीस जो है ये ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, क्योंकि ए ए एम, ए एम का मेशर दिया, मतलब ए एम का जो रेशियो में नंबर है 7, बराबर है, इसका मतलब ये बड़ा ट्रायंगल का ए एंड के साथ ये 7th पीस को जोड़ देना है।
ये देखिए इस तरह इन दोनों को यानी ये सेवेंथ पीस और इसको जोड़ देना है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला छोटे ट्रायंगल का रेशियो में नंबर था 5 ए एच, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ये 5 से आपको इसके साथ जोड़ना है, पर ये ऐसा नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ऐसा जोड़ेंगे हम यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं भी जोड़ सकते हैं, तो वो मिस्टेक हो सकता है। ये करेक्ट यहाँ से जोड़ेंगे वो लाइन, इस लाइन को पैरेलल चाहिए, तो हम गेसिंग करके पैरेलल नहीं बना सकते विद द हेल्प ऑफ राउंडर, राउंडर के मदद से इस लाइन को हमें पैरेलल बनाने का है। तो वो लाइन को पैरेलल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट है उस पॉइंट पर रखकर इस एंगल को काटेंगे, यहाँ रखेंगे और इस एंगल को इस तरह हम काटेंगे। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, अभी इसको रख के इस तरह काटने वाले हैं। ये देखिए मैंने ऐसा ये एंगल को काट दिया, अभी जितना मेजर हमने इसको लेके काटे वही सेम है, सेवेंथ पॉइंट में रखे ना, अभी वो फिफ्थ पॉइंट में रखे उसी डायरेक्शन में उतना ही इधर भी काटना है। यहाँ का जो डिग मेजर हमने लेकर इसको काटा वो थोड़ा भी हमें हटाना नहीं है, ये राउंडर वैसे ही डिस्टेंस में रहना चाहिए। अभी हमें ये फिफ्थ में रखकर उसको फिर से इस तरह काटना है। ओके, तो इस वही सेम लिया, फिफ्थ वाले जो पीस है उसमें रखे इस तरह किया, तो ये सेकंड वाला ज़रूरी नहीं कि ये लाइन को काटे क्योंकि ये जो आर के इस एंगल के लिए बने हुए हैं और इसका यहाँ पर एंगल दूसरा बनने वाला है, तो यहाँ तक लेके आने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आपको मार्किंग करनी है इस तरह। ओके, ये डिस्टेंस को मार्किंग करने के बाद यहाँ रखकर आपको वही सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी मार्किंग करनी है। देखो ये और ये दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन के बीच में आर्क का जो डिस्टेंस है उसको मार्किंग करनी है। अभी ये राउंडर को बिल्कुल नहीं चेंज करना, यहाँ रखकर इधर भी मार्किंग करनी है। वो भी हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो फिफ्थ पॉइंट, ये सेवेंथ पॉइंट का यहाँ पर है तो फिफ्थ पॉइंट का आपको यहाँ मिला, तो ये फिफ्थ पॉइंट और इसे दोनों को जोड़ देना है। ये देखो ये फिफ्थ पॉइंट में रखा, यहाँ पर गलती से भी मत रखना, ये 1 2 3 4 5 ये 5 वाले पॉइंट पे रखकर इस आर्क के साथ इसको जोड़ देना है और वो लाइन इधर आके टच होना चाहिए। ये देखिए इस तरह बन गया, तो अभी ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को पैरेलल है। आप अगर सवाल आपके दिमाग में है कि ये क्यों पैरेलल है इस तरह करने पर, ये आपका करस्पोंडिंग एंगल थ्योरम में आता है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक एंगल, ये एंगल का कॉन्ग्रुएंट इधर एंगल बनाया, तो ये दोनों करस्पोंडिंग एंगल्स है और दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन्स पैरेलल होता है। 9th स्टैंडर्ड में हम ये थ्योरम स्टडी किए हैं, दो लाइन अगर पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्स ले तो ये दोनों एंगल करस्पोंडिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। इसी तरह दो लाइन से ये ट्रांसवर्स ले, ये दोनों करस्पोंडिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ज़रूर ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अभी इसी तरह हमें यहाँ पर भी करनी है, यहाँ पर आपके पास देखो ये एंगल है, इसी एंगल को कॉन्ग्रुएंट यहाँ से एक और एंगल बनानी है, तो ये जो मेथड अभी हमने यूज़ किया वही सेम मेथड हम यूज़ करेंगे। इस पॉइंट यहाँ पे एंगल ऑलरेडी है, इस पॉइंट में राउंडर रखकर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा ले लीजिएगा, बहुत छोटा रहेगा तो आपका राउंडर बराबर घूमेगा नहीं, तो यहाँ रखकर आपको क्या करना है, ये लाइन और ये लाइन को काट के एक आर्क बनानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आर्क बन गया। अभी ये आर्क का जो डिस्टेंस हमने राउंडर में लिया, वो राउंडर को बिल्कुल चेंज किए बिना इस पॉइंट को रखकर आपको फिर से और एक आर्क बनाने का है, पर वो आर्क ज़रूरी नहीं कि ये लाइन को जाके काटे, पर इसको काटना चाहिए। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको अभी इसका डिस्टेंस लेना है, ये और ये दोनों, जहाँ पर दोनों साइड में आर्क ने जिधर एक दो साइड को काटा, मतलब यहाँ पर ये साइड पे से ये साइड कहाँ पर कटे हैं वो लेना है और उसको सीधे लेकर यहाँ पे इस आर्क को भी काटना है। तो यहाँ से आपने जो लिया वही डिस्टेंस यहाँ पर से भी लेना चाहिए। ओके, अब ये जो आर्क जाकर आपस में मिले, ये पॉइंट, इस पॉइंट को ये वाले पॉइंट के साथ जोड़ देनी है। ये देखिए ये दोनों को जोड़ दिया, तो इस तरह हमारा ट्रायंगल का कंप्लीट काम हो गया। तो इसमें अभी नाम लिखना है, ये ए एम था, ये सेगमेंट ए एम और दूसरा पॉइंट उसका टी, ए एम टी, ए एम कितना है, पूरे 5 पॉइंट
सॉरी 6.3, सो यू कैन राइट एनी वे हियर 6.3 सेंटीमीटर पूरे ए एम. ए इधर का लेटर कौन सा है, ये देखो ए एम टी ए एच ई, ए एच ई, तो ट्रायंगल का नाम हो गया. यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 5.6 सेंटीमीटर पूरे, और ए एंगल कितना है 50 डिग्री. ए एंगल भी हमने 50 लिया है, उधर इतना कंपलसरी नहीं है लिखना, लेकिन ये 50 डिग्री लिखना कंपलसरी है. और यहाँ से आप पॉइंट्स को पॉइंट ए वन ए टू और उसके बाद ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स और ए सेवन इस तरह पॉइंट्स डाल सकते हो. ओके, तो ये था हमारा कंप्लीट डायग्राम. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. नाउ इट इज़ योर टर्न टू प्रैक्टिस इट. अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग ए टेंजेंट टू अ सर्कल. सर्कल को टेंजेंट बनाना. व्हाट यू मीन बाय टेंजेंट? एक सर्कल को जस्ट छूकर जाने वाले जो लाइन होते हैं उसे टेंजेंट कहते हैं. ये जो टेंजेंट है सर्कल को एक ही एक पॉइंट में टच करेंगे. दैट मीन्स सर्कल का और टेंजेंट का कॉमन एक ही सिंगल पॉइंट होगा. तो इस तरह हमें बनाने का है. सर्कल का लेसन एक्चुअली हमने सर्कल का लेसन किया नहीं है, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन में आया, तो इसलिए आपको यहाँ पर बता रहा है. सर्कल का लेसन में हमें ये पढ़ने को है, एक्चुअली वैसे 9th स्टैंडर्ड में भी हम स्टडी किए हैं. सर्कल का एक टेंजेंट और ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट में सर्कल को टेंजेंट टच करते हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं. वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की तरफ जो रेडियस जाएगा वो रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहता है. देखो यहाँ मैंने एक सर्कल को बना लिया और इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर है. ओके, और इस सर्कल को मैं एक टेंजेंट बना रही हूँ. ये देखिए मैंने सर्कल को टेंजेंट बना लिया. अभी ये जो टेंजेंट है ये सर्कल को इस पॉइंट में टच कर रहा है, तो ये पॉइंट को दिस लाइन इज द टेंजेंट, ये लाइन को टेंजेंट बोलते हैं. और ये जो पॉइंट है जहाँ पर कटा मतलब टच किया सर्कल को जस्ट, उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है. और ये सेंटर ऑफ द सर्कल, और सर्कल से सेंटर में से अगर हमने एक रेडियस बनाया, रेडियस ये रेडियस है, इस तरह अनगिनत रेडियस हम बना सकते कोई भी डायरेक्शन में, तो ये रेडियस हमेशा टेंजेंट को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, यानी यहाँ पर 90 डिग्री क्रिएट करेगा. तो ठीक है, अभी हम इस तरह एक टेंजेंट अगर बनाने का है तो ये रफली बनाया है, ज़रूरी नहीं कि ये परफेक्ट एक टेंजेंट हो. इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अगर हम बनाओगे इंस्ट्रूमेंट्स के मदद से तो हमें एक परफेक्ट टेंजेंट मिलेगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेक्शन दैट इज 4.2 प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हमारा है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल. एक सर्कल को टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करो, बनाओ सर्कल को, एक सर्कल को एक टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करो. सर्कल विथ सेंटर पी, सर्कल का सेंटर का नाम देना चाहिए पी, एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर. जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का रेडियस 3.2 सेंटीमीटर है, और ये टेंजेंट कहाँ पर बनाना है, एट एनी पॉइंट एम ऑन इट. ऑन इट मीन्स ऑन द सर्कल. कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए आप सर्कल में और उसका नाम दीजिए एम, और उस एम से एक टेंजेंट बना लीजिए. वापस से क्वेश्चन को रीड करते हैं. कंस्ट्रक्ट टेंजेंट वो सर्कल विथ सेंटर पी, पी सेंटर वाले सर्कल को एक टेंजेंट बनाइए, एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर. पी सेंटर वाले सर्कल जिसका रेडियस 3.2 सेंटीमीटर है. टेंजेंट कहाँ बनाना है, एट एनी पॉइंट एम ऑन इट. कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए एम नाम का और उस पर उसके ऊपर से बना लीजिए. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, रफ फिगर बनाएंगे. रफ फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो रफ फिगर के लिए हम छोटा सा यहाँ पे लिख दिए रफ. ओके, रफ फिगर या रफ डायग्राम. तो आपने एक छोटा सा सर्कल भी बनाना है. ये रफ फिगर जब बनाएंगे तो उसका सर्कल आप स्टेंसिल यूज करके बना सकते हैं. ये देखिए इस तरह एक सर्कल बना लिया और एक सेंटर उसको मार्किंग कर लिए, और उसके बाद हमने पॉइंट एम चलो इधर लिया, तो हम क्या करने वाले, एम से एक
टेंजेंट बना लिया ऐसे ही, दिस इज रफ आफ्टर ऑल, ये रफ है बराबर। तो यहाँ से आपको रेडियस भी इसका बनानी है, तो ये रेडियस को आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा और आगे कर लीजिए और यहाँ पे एरो मार्क दे दीजिए। ओके, तो यहाँ पर 90 डिग्री मार्किंग कीजिए, बस इतना आपका रफ फिगर है। और ये सेगमेंट का, सॉरी ये सर्कल का रेडियस कितना है, 3.2 सेंटीमीटर, बस इतना आपको रफ फिगर में करना है। अभी फेयर डायग्राम करने के लिए पहले आप स्केल ले लीजिए, स्केल लेकर कितना 3.2 सेंटीमीटर उसमें मार्किंग कीजिए। स्केल लिया, ये देखो 3.2 पे रखा, और अभी इसे किधर तक ले जाना है, ज़ीरो तक ले जाना है। तो ये आपका 3.2 सेंटीमीटर का रेडियस मिल गया। ओके, अब ये 3.2 सेंटीमीटर रेडियस लेने के बाद आप एक पॉइंट में रखो, रखकर इसको घुमा लीजिए और सर्कल बना लीजिए। ओके, तो इस तरह इसको घुमाकर आपने सर्कल बनाया, और आपने जिस पॉइंट से राउंडर को रखा था उस पॉइंट को मार्किंग कर लीजिए, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सर्कल का सेंटर हो गया। अभी आपको आगे क्या करनी है, यहाँ पर एक पॉइंट लेनी है, तो कोई भी एक पॉइंट आप ले लीजिए, कोई भी साइड में, यहाँ ज़रूरी नहीं कि यही साइड में हो, आप चाहे नीचे ले सकते हो, इधर या कोई भी जगह में ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया जिसका नाम M है, ओके, यहाँ पर लिखा नहीं है, और सर्कल का सेंटर P, तो जिसका नाम M है, पर यहाँ पर M जो नाम है और P वगैरह लास्ट में डालेंगे, नहीं तो फिर उसके ऊपर से हमारा लाइन्स जा सकते हैं। तो M पॉइंट ले लिया, M पॉइंट लेने के बाद आपको क्या करना है, ये सेंटर और ये M को जोड़कर रेडियस बनाओ जिसको आगे आप ले जाओ। यहाँ पर इन्हें जोड़कर रखिए और यहाँ से रेडियस बनाइए और आगे ले जाइएगा, और एक एरो मार्क यहाँ पर दिया, और उसके बाद आपको इस M पॉइंट जो है उस पर आपका राउंडर रखना है। वहाँ पर राउंडर रख करके आपको ये लेंथ को, ये जो रे आपने बनाया उसको दो जगह में काटना है दोनों तरफ। देखो यहाँ पर रखे, इधर एक काटा, और ऐसे ही घुमाकर दूसरे साइड में लेकर आइए, वहाँ पर भी काट लीजिए। ओके, ये हो जाने के बाद आपको इस पॉइंट में रखना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा राउंडर को बढ़ा दीजिएगा, और उसके बाद इस पॉइंट में रखो, रख कर आप ऊपर एक आर्क बनाइए, नीचे बनाइए। ओके, तो थोड़ा सा बढ़ा कर लेना, यहाँ पर एक आर्क बनाया, वही से नीचे ले जाइए, उधर भी एक आर्क बनाइए। अभी इसको दूसरे साइड में, दूसरा जो कटा हुआ पॉइंट में ले आइए। ये पूरे प्रोसीजर में ये राउंडर का डिस्टेंस को चेंज नहीं करना, चेंज करेंगे तो रोंग हो जाएगा। अभी हमारा ये दोनों आर्क बन गया, और आर्क को दोनों को आप जोड़कर देखिए, वो ए पॉइंट और ए पॉइंट को दोनों को जरा जोड़कर रखिए, वो ज़रूर इस एम पॉइंट से जाएगा। और अभी आपको क्या करना है, ये लाइन को खींच लेनी है। तो इस तरह हमने वो लाइन को खींच लिया, और यहाँ पर एरो मार्क, ये बन गया हमारा, ये जो है ये बन गया हमारा टेंजेंट। इसके बाद आपको क्या करना है, नाम वगैरह देनी है, पी और इधर एम, और ये रेडियस यहाँ पर मार्किंग किए बिना बेटर है अलग सा मार्किंग करो, यहाँ से यहाँ तक, और इसको कोई नाम दे सकते हो, 3.2 सेंटीमीटर इस तरह मार्किंग कर सकते हो, और ये बन गया। और यहाँ पर 90 डिग्री मार्किंग करनी है, और ये टेंजेंट को भी कुछ नाम दे दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक लेटर लिखा, एक पॉइंट डाला, पॉइंट डालकर एम एन लिखे, तो उसके बाद आप लिख सकते हो लाइन एल, सॉरी एम एन, लाइन एम एन इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो इस तरह आप नीचे लिख सकते हो, लाइन एम एन is the required tangent, required tangent। बस हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। सो इसे भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार देखने पर नहीं समझ में आया तो रिपीटेडली आप देख लीजिए और समझ कर लीजिए। ओके, एनी डाउट कैन बी आस्क्ड। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।